राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं 150 रुपए का दूध से 250 रुपए का मिठाई, शुद्ध घी और दही। तो चलिए शुरू करते हैं, आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और शुद्ध तो है ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना दूध से मिठाई, घी और दही। तो यहाँ पे हम 2 लीटर दूध लिए हैं और आज आपको बताएंगे कि इससे मलाई कितना निकलता है, और बहुत ज़्यादा मलाई बनता है। ये दूध है भैंस का, गैस चला दिए हैं और पहले ही से हम तेज आंच पे थोड़ा गर्म कर देंगे दूध को। उसके बाद से धीरे आंच पे बढ़िया से दूध को पकाना है, तभी ज़्यादा मलाई बनेगा। इसको चला चला के अभी तेज आंच पे किए हैं और फिर बाद में जब 5 मिनट के बाद ये खोल जाएगा, इसे 10 मिनट हम धीरे आंच पे एकदम उबाल देंगे। इससे उबालने से क्या होता है कि जो मलाई जमता है बहुत मोटा जमता है। तो चलिए इसको उबाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए 5-7 मिनट के बाद उबाल आ गया है। अब दूध का गैस हम लो कर देंगे और लो पे बढ़िया से इसको 10-12 मिनट, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी आप इसको पकाइएगा। जितना पकाइएगा उतना ही आपका मलाई ज़्यादा जमेगा। ये देखिए पूरा उबल गया था, अब गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है और इसी पे इसको उबालेंगे कम से कम 15 मिनट तक। तो अब दूध को देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना देर हमने खौलाया है। कम से कम 15 मिनट खौलाए हैं और इसको अब रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर दिखाएंगे कि मलाई कितना जमा है और घी कितना बना है। तो दूध को हम शाम को गर्म किए थे और रख दिए थे इसको फ्रिज में। अब इसका हमें मलाई निकाल कर घी बनाना है। तो पहले चूल्हा जला देते हैं और इसका मलाई निकाल लेंगे। तो जो भैंस का दूध होता है ना, या जो भी आपके यहाँ मोटा मिले दूध भैंस का फुल क्रीम, उससे ही बनाइएगा। तो ये आपको देखिए मलाई कैसा आपको मिलेगा, ये देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह का मलाई मिलता है। अगर इस तरह का दूध मंगवाते हैं अपने घर पे और इसको ज़्यादा नहीं, ये देख रहे हैं कितना मोटा है, अगर ज़्यादा नहीं इसको एक हफ्ता भी इकट्ठा कर दिए तो बहुत सारा घी निकल जाएगा। तो डाल देते हैं इसको कढ़ाई में, देख रहे कितना मलाई निकला पड़ा है इसका। ये 2 किलो दूध का मलाई है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा निकला हुआ है। इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे तभी घी निकलेगा। और ये जो दूध बचा है इसका हम दही जमाएंगे। इसको गर्म कर देते हैं और फिर इसमें हम जिस हिसाब से हम दही जमाने का तरीका आपको बताया है उसी तरीका से करना है। इसका दही भी जम जाएगा और आपका घी भी निकल जाएगा। ये तो हमारा एक दिन का है, अगर आप हफ्ता 2 हफ्ता रखते हैं तो बहुत सारा घी हो जाएगा। इसको लो टू मीडियम आंच पर खौला देंगे, अपने आप इसमें से घी रिलीज करने लगता है। जब घी रिलीज कर देगा और नीचे जितना दूध होगा वो नीचे जम जाता है। इसे लगेगा जितना देर में ये बन जाएगा घी, आपको हम बताएंगे कितना देर में बना है एक दिन का मलाई से। तो यहाँ देखिए इसको हो गया है 10 मिनट लगभग, धीमे आंच पे इसको हम घी बना रहे थे। तो बनाते समय क्या होता है, देखते हैं नीचे लगता जाता है, ये देख रहे हैं, और ऊपर घी होता जाता है। जब इस तरह हो जाए तो थोड़ा सा आँच आप तेज कर दीजिए और तब घी को छान लीजिए। तो यहाँ देखिए लास्ट में हम थोड़ा आँच को तेज कर दिए हैं और इसको एक बार चला लेंगे। नीचे लगा है ना, ये सब खाने का काम आ जाता है, वो भी आपको बताते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे, एक छन्नी जिसमें आप छानेंगे उसमें छन्नी रख देंगे। गैस बंद कर दिया हूँ, थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा कर देते हैं कि किसी भी कांच के जार में या किसी चीज़ में डालते हैं तो टूटे ना। तो यहाँ देख रहे हैं हमने गैस का चूल्हा बंद कर दिया है। अब घी देखिए सेपरेट हो गया, पूरा घी घी ऊपर नज़र आ रहा है और नीचे सारा जो भी इसमें जो हम लोग इसको खखोरी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। अब इसको छान देते हैं, ये देख रहे हैं नीचे पूरा कढ़ाई में बैठ जाएगा और घी निकल जाएगा। ये अब बताइए एक दिन के दूध से क्या निकालिएगा, इतना घी निकल गया। प्योर घर का बना हुआ घी, सब निचोड़ लीजिए, निचोड़ लीजिए, बूंद बूंद निचोड़ लीजिए। खाने में बड़ा मजा आता है इसका। ये पूरा निकल गया घी, अब कढ़ाई को दोबारा बैठा लेंगे और ये खोखोरी जो हम बोल रहे हैं ना इसको भी इसी में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुड़ तोड़ के। और ये खाइएगा मिठाई तो मतलब सारा मिठाई फैल है इसके आगे। अब इसी आंच से जितना ये गर्म है ना इसी से गुड़ मेल्ट हो जाएगा
और आपका मिठाई भी बनकर तैयार हो जाएगा। बस एक मिनट रहेगा, इसको जब तक भूने देते हैं, इधर दूध का बता देते हैं। देखिए दूध को हम गर्म कर दिए हैं और दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहेगा, तभी इसमें हम खट्टा डालेंगे। जिस तरीके से हमने दही आपको जमाने का तरीका बता रखा है, उसी तरीके से हम इस दही को जमा देंगे। और देखिए अब घी भी निकल गया, मिठाई भी बन गया इतना। सर्व कर दीजिए हमारे लिए। ये देखिए मिठाई भी बन गया इतना और इतना दही भी बन गया, मतलब एक बहुत ही टेस्टी सारा का सारा बनेगा। एक तो दही घी हमारा शुद्ध बन गया, मिठाई भी एकदम शुद्ध है, ऐसा मिठाई आपको नहीं मिलेगा बाजार में। और अभी भी देखिए इसमें घी लास्ट में इतना ही बचा ही है, गुड़ वाला घी हो गया का भाई ये। डाल दीजिए कोई दिक्कत। और नीचे जो एक बचा हुआ है इसको भी बढ़िया से आप निकाल दीजिए और तब सारा मिठाई को एक साथ मिक्स करके खाइए, बड़ा मजा आएगा आपको। तो यहाँ देखिए 2 लीटर दूध से, यानी कि एक दिन के दूध से हम इतना घी निकाले हैं, मिठाई भी बन गया और हमारा दही भी कम से कम 1.5 से 2 लीटर के करीब दही भी बन जाएगा। तो ये हमारा जो दूध हमने दिया था भैंस का दूध, और इससे हम बनाए हैं मिठाई, घी और दही। ये हमारा तरीका आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा तो ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीदियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमें आप लोगों के लिए कौन कौन सा रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। ये रेसिपी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं नई और आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।